हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों के बाद इस तरह से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैंने बनाई है चौली की सब्जी। कल मैंने छील लिए थे दाने, देखिए। और गाइस, ये सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर इसके अंदर गिलकी डालो ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे पास गिलकी नहीं थी तो मैंने टमाटर, आलू और चौली मिलके ये सब्जी बनाई है दोपहर के लंच के लिए। और बस मेरी ज़िंदगी की मॉर्निंग शुरू हो गई है। इसी तरह से मेरी गाड़ी चल रही है ज़िंदगी की। तो अब रोटी बनाती हूँ और पापड़ भी मैंने तल लिया है। आज अतिथि का इंटर्नशिप को छुट्टी है, हॉस्पिटल जाना नहीं है उसे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आराम मिल गया, नहीं तो मॉर्निंग में 4 बजे उठ के भागम भागी मची रहती है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपको चाय पे। सब्जी मेरी बन गई है और रोटियाँ बन रही है। आज मैंने सोचा तली हुई रोटियाँ बनाती हूँ, तो कुछ डिफरेंट स्टाइल का महाराष्ट्र स्टाइल की रोटी बना रही हूँ मैं। और रोटी बन रही है धीरे धीरे, चाय में थोड़ी सी पी चुकी हूँ। इस तरह की रोटी ना गाइस अतिथि को अच्छी लगती है, इसलिए इस तरह की बना रही हूँ मैं। थोड़ा सा टेस्ट चेंज, फुलके तो मैं रोज बनाती हूँ। सुबह से टिफिन बना लेती हूँ, दोपहर को खाना खाते हैं, तो थोड़ा सा मैं आज अचार भी लेके जाती हूँ। ये घर का बना हुआ अचार है गाइस, तो टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि चौली की सब्जी है, पापड़ भी तला हुआ है, रोटी भी है, तो उसके साथ थोड़ा सा अचार तो बनता है ना गाइस। यम्मी। तो मुझे बताइए कौन कौन घर पे अचार बनाता है, और घर का अचार यम्मी, वाओ। अगर हो सका तो मैं अचार की रेसिपी, मम्मी के हाथ की अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइए आप किस तरह से अचार बनाते हैं। हर एक का अलग अलग स्टाइल रहता है अचार बनाने का, तो आप अपना स्टाइल मुझे बताइएगा, मैं भी अपना एक वीडियो बनाऊंगी अचार कैसे बनता है उस पर। और अब मैं जा रही हूँ अतिथि को जगाने, क्योंकि 9 बज गया है, आज उसका छुट्टी है, तो उसकी वजह से वो सोई है, तो उसे उठा देती हूँ, पार्लर जाने को लेट हो जाएगा फिर। तो आपने देखा गाइस, अतिथि किस तरह से गुटली मार के सोई थी। अब मैं उठा चुकी हूँ उसको और उसके लिए अब बना रही हूँ चाय। तो दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, और कच्चे दूध में ही मैंने चाय मसाला, शक्कर और चाय पत्ती डाल दिया है। चाय आपको पता है मैं एवरेस्ट चाय मसाला और सोसाइटी की चाय पत्ती यूज करती हूँ, ये वाली मसाला टी वाली, और एवरेस्ट का चाय का मसाला यूज़ करती हूँ, तो ये चाय मेरे ऐसे ही खौल जाएगी। गाइज, मेरी स्टाइल चाय बनाने की यही है, मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। मुझे पता है दूध बहुत महंगा है, पर फिर भी चाय में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। बाकी चीज़ में मैं बचत बहुत कर लेती हूँ, पर चाय में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बस अब चाय खौलेगा, अच्छे से पक जाएगा, तो उतने में अतिथि भी नीचे आ जाएगी ऊपर के बेडरूम से, तो हम मिलके चाय पियेंगे। आप लोग भी आ जाइए मेरे हाथ की चाय पीने को। तो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, और वेट कर रही थी, वो भंगार वाला आया और बहुत चिल्ला रहा था, तो इसलिए वेट कर रही थी। 2 मिनट वेट कर ली, उसके बाद वो गया, उसके बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। बंगले के बाद बाहर ना बहुत सारे फूल खिले थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ ये भी। और चलिए पार्लर पे निकलती हूँ, और काजल नहीं लगाई हूँ क्योंकि काजल का वो शार्पनर नहीं मिल रहा था, पर आज मिला। इतना टाइम नहीं था कि काजल को शार्पनर करूँ, पर पार्लर के ही तैयार होंगी। और अब निकलती हूँ पार्लर पे, और आगे का मेरा जो जो रूटीन चलता रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके गाइस, तो देखिए फूल कितने अच्छे खिले हैं ना, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ इस तरह से फूलों को देख के ना। जब बंगले के बाहर फूल खिलते हैं बहुत अच्छा लगता है गाइस, इतना अच्छा लगता है, इतना फ्रेश एटमॉस्फेयर लगता है कि ना पूछो बात। तो मेरी सुबह तो हो गई थी, लंच बन गया है,
और अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी मैं आपको पार्लर पे जाके। पार्लर पे आके तो बहुत टाइम हो गया, अब मैं बना रही हूँ चाय एक साइड पे। तो फिर का खाना खा चुके थे हम और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, अब बनेगी चाय। उस बीच में क्लाइंट चालू थे और अतिथि कर रही है अभी ब्लीच, और मैं सोचती हूँ मैं खुद भी कर लूँ। तो मैं बताती हूँ अतिथि कौन सा ब्लीच कर रही है। तो गाइस ये वाला अभी नया ब्लीच निकला है और मटेरियल वाले ने बताया कि ये ब्लीच बहुत अच्छा है, ओलिविया का है, लेकिन ओलिविया का शाइनर ब्लीच। मैं हमेशा ओलिविया ही पसंद करती हूँ, तो ये शाइनर ब्लीच है। तो अतिथि ने बोला चलो हम ट्राई करते हैं, तो देखते हैं कैसा ग्लो आता है करने के बाद। गाइस मैं भी ब्लीच करने वाली हूँ, पर मैं अपना जो पुराना वाला ब्लीच है ग्रीन वाला येलो वाला उसी से करने वाली हूँ, क्योंकि ये एक ही पैकेट लिया था। तो गाइस मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्लीच। तो ये मैंने ब्लीचिंग पाउडर और एक्टिवेटर पाउडर दोनों मिक्स निकाल लिया है, इतना क्वांटिटी में निकालना है आपने अगर आपको घर पे ब्लीच करना है तो। तो गाइस चलिए, बहुत दिन हो गया फेस पे बिल्कुल ब्लीच किया नहीं है, बहुत मतलब महीनों हो गए। तो मैंने सोचा आज मैं कर लेती हूँ। ब्लर आ रहा है ना, पता नहीं गाइस कैमरा क्यों ऐसा ब्लर आ रहा है। ओके, लेकिन चलिए आपको समझ में तो आ गया है, आगे बढ़ते हैं और ब्लीच लगाते हैं जल्दी जल्दी। मैंने अपना ब्लीच बना लिया है और अब मैं अतिथि का ब्लीच भी बना के देती हूँ। कि बेटा क्या क्या निकला आपने? क्रीम एक्टिवेटर और डायमंड डस्ट। ओके, तो ये तीनों को मिक्स करना है, ठीक है ना? देखते हैं, पहले इसमें रीड करती हूँ क्या है। तो ये है ओलिविया का शाइनर क्रीम, तो उसे मिक्स करते हैं। तो क्रीम मैंने निकाल लिया है और अब ये निकालूंगी मैं दिस वन एक्टिवेटर। पूरा मेजरमेंट से दिया है पर मुझे लगता है अतिथि के फेस पे ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा ही डालती हूँ क्योंकि अतिथि का बहुत जल्दी ब्लीच हो जाता है। और इसके बाद ये वाला डायमंड बूस्टर, तो ये पहले मिक्स हो रहा है और इसके बाद इसमें वो बूस्टर डायमंड बूस्टर डालना है। मुझे लग रहा है ये स्ट्रांग है बेटा, तो अब डाल रहे हैं डायमंड बूस्टर। तो गाइस ये एक पोर्शन के लिए इतना इनफ है, और अप्लाई करो जल्दी से। और इसे ना गाइस जब भी आप बनाते हो ज़्यादा देर इसे मिक्स नहीं करना है, फटाफट बनाया कि फटाफट लगा लेना है। अतिथि अपना बना के लगा रही है और मैं अपना लगा लूँगी फटाफट, और पल्लवी मुझे हेल्प करेगी ना लगाने में, प्रॉपर लावना ना। और अतिथि अप्लाई कर रही है। तो हम दोनों ने ब्लीच लगा लिया है अच्छे से मिरर में। तो गाइस मेरा यहाँ पे तिल है और उसको मैं बहुत बचाती हूँ क्योंकि वो लाइट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ब्लीच और बना लेती हूँ और उसे फुट पे लगाती हूँ। तो गाइस मम्मी बोल रही थी बहुत पैर काले काले हो गए हैं, तो थोड़ा सा ब्लीच कर लेती हूँ इसको, और फिर उसके बाद नेल पेंट पेडिक्योर वगैरह सब कराऊंगी। अभी तो मेरे पैर बहुत गंदे लग रहे हैं। तो गाइस 10 मिनट्स हो गई है और अतिथि तो धो भी चुकी है अपना ब्लीच। देखो बेटा ग्लो कितना आया, मस्त आया। तो गाइस देखिए अतिथि के फेस पे ग्लो अच्छे से आ गया है, हैप्पी। अब मैं अपना चेक करवा रही हूँ मेरा हुआ है कि नहीं।
तो गाइस अभी मैं क्लीन अप करवा रही हूँ। और एक साइड अतिथि का काम चालू है, पर अतिथि किसी की हेल्प लेने को तैयार नहीं है, वो खुद से ही अपना कर रही है। क्लींजिंग करने के बाद ना गाइस मैंने ये ऑरेंज फेस स्क्रब यूज़ किया है, टैन रिमूवल वाला, और सच में पूरा टैन रिमूव हो गया, अच्छे से हुआ है एकदम। अब मैं लूँगी स्टीम, तो मेरी स्टीम रेडी हो रही है। गाइस स्टीम लेके हो गया है, ब्लैकेट्स मैंने रिमूव कर दिए हैं, और अब मैं लगाऊंगी ये वाला हिमालय का नेम पैक। अतिथि ने लगा लिया है नेम पैक और मैं अप्लाई करूंगी अब मेरे फेस पे। और ये मैंने अतिथि का बोरो किया है, नेम पैक और स्क्रब दोनों। तो गाइस ये लास्ट स्टेप था, मैंने पैक लगा लिया है पर बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, मुझे पता नहीं, ये कुछ अलग फील दे रहा था इसलिए मैंने थोड़ा ही पैक लगवाया है। और क्लीन अप मेरा इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपने बर्फ़ का मसाज लगा करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ अतिथि ने कितना प्रॉपरली लगाया है। अतिथि कोई बात में कमी नहीं करेगी, उसने प्रॉपरली पूरा लगा लिया है अच्छे से। तो गाइस ये नीम का पैक है और इससे ना पिंपल बिल्कुल नहीं आएंगे, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला। गाइस ये लास्ट स्टेप था, इसके बाद फेस वॉश करके मैं बर्फ़ लगा लूँगी अच्छे से, तो मेरी स्किन एकदम से फ्रेश हो जाएगी। तो आप घर पे इस तरह से कर सकते हो, ट्राई करना और मुझे बताना, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर से मेरे साथ शेयर करना, और अतिथि के साथ भी शेयर कर सकते हो आप। वैसे अतिथि ना मेकअप के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानती है, करती भी बहुत अच्छे से, मैं ज़रूर उसका मेकअप भी आपके साथ शेयर करूँगी एक आधी ना। आजकल उसको फुर्सत नहीं मिलती इंटर्नशिप से, तो उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हम लोग। बाकी मेरे वीडियोस चल आ रहे, अतिथि ने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो आप देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। अब घर पे जाके रात का डिनर भी बहुत अच्छा बनाने वाली हूँ, तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ, ओके। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे और अभी बना रही हूँ डिनर। तो उसके लिए मैंने भिंडी बनाई, आज मैं फर्स्ट जैसे खाना बना रही हूँ, तो भिंडी काट ली है, दही लेके आई हूँ, दही वाली भिंडी बनेगी मेरे डिनर के लिए अभी। और मैं लेके आई हूँ ये सामा बोलते हमारे यहाँ, और मराठी में बोलते हैं वरीचे तांदूळ, और हिंदी में बोलते हैं भगर। तो भगर बनाऊंगी, रोज़ राइस खा के कंटाला आ गया है गाइस, तो आज थोड़ा सा चेंजेस, रात को हम लोग राइस ही बनाते हैं, तो आज चेंजेस राइस के बदले ये बनाऊंगी, और ये बहुत टेस्टी बनता है। इसमें ऐसे पुलाव की तरह ही बनाने का है, कड़ी पत्ता और वो सब डाल के बनाऊंगी मैं, टमाटर वगैरह डाल के, तो बहुत टेस्टी बनता है दही वाली भिंडी के साथ। तो चलिए पहले बना लेती हूँ। तो गाइस इस तरह से मैंने भगर को बगाड़ दिया है, और इसमें मैंने सिंगदाना भी डाला है, सब कुछ कड़ी पत्ता और सब कुछ डाला है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें दही थोड़ा सा टेस्ट के लिए, अच्छा लगेगा गाइस। और एक साइड मेरी भिंडी भी रेडी हो रही है, इसमें दही पड़ेगा तो खाने को अच्छा लगेगा। और गाइस इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना इससे, कुछ मैं टमाटर डाली हूँ, कड़ी पत्ता डाली हूँ, कोथमीर डाली हूँ, सिंगदाना, दही, नमक, दैट्स इट, हरी मिर्ची। तो गाइस भिंडी भी मेरी चुन चुकी है, इस स्टेज पे मैं अभी इसमें दही डालूंगी। तो ये मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है। तो गाइस आ जाइए आप भी खाने को, चलिए कितना टेस्टी बना है देखिए। तो गाइस खाना वाना खा लिया है और अब हम लोग सोने की तैयारी में हैं, तो चलिए गुड नाइट, सो जाते हैं और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, लव यू, बाय। मुझे ना नेल पेंट भी रिमूव करने की थी, भूल गई मैं आज। तो गाइस होप आपको हमारा ब्लीच क्लीन अप और मेरे दिन का पूरा खाना कैसा लगा, कमेंट्स ज़रूर से कीजिएगा, मैं बहुत वेट करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स के।